मध्य प्रदेश के गुना जिले में किसान के साथ हुई अमानवीय घटना पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ये शिवराज सरकार प्रदेश को कहां ले जा रही है, ये कैसा जंगल राज है। गुना में कैंट थाना क्षेत्र में एक दलित किसान दंपत्ति पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों द्वारा इस तरह बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज। उन्होंने आगे कहा, यदि पीड़ित युवक का जमीन संबंधी कोई शासकीय विवाद है भी तो उसे कानूनन हल किया जा सकता है, लेकिन इस तरह कानून हाथ में लेकर उसकी, उसकी पत्नी की, परिजनों की और बच्चों तक की इतनी बेरहमी से पिटाई, ये कहां का न्याय है। क्या ये सब इसलिए कि वो एक दलित परिवार से है, गरीब किसान है। साथ ही कमलनाथ ने सवाल करते हुए कहा कि क्या ऐसी हिम्मत इन क्षेत्रों में तथा कथित जनसेवकों और रसूखदारों द्वारा कब्जा की गई हजारों एकड़ शासकीय भूमि को छुड़ाने के लिए भी शिवराज सरकार दिखाएगी। ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, इसके दोषियों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई हो, अन्यथा कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। आपको बता दें कि गुना में मंगलवार को एक घटना सामने आई जिसमें अतिक्रमण हटाने गई पुलिस ने किसान दंपत्ति पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद आहत किसान दंपत्ति ने जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फौरी कार्रवाई करते हुए गुना के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया, साथ ही इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए। न्यूज़ डेस्क।